A very good afternoon, dear student. Happy Dhanteras to all of you. आज देखिए इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 17 जो कि पिछले वीडियो में कुछ सॉल्व करा बता दिया गया था स्टोरी को. स्टोरी में पिछली स्टोरी में बताया था गया था कि बच्चे का जो पेरेंट्स होते हैं उसके जो पिता होते हैं पेरेंट्स हैं माता पिता होते हैं तो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एक जनजाति से बिलोंग करते हैं और उसके जो पिता हैं वो अपने कारमा के साथ साल को सेल करने के लिए निकल रहे थे और सडनली वो अपना मेडिसिन यानी दवा का जो पोटरी होती है या थैला होता है बैग कह सकते हैं उसे वो घर पे ही छूट गया था. और बच्चा बार बार अपने पिता से इस बात की भी जिद करता रहता था कि हमें भी आपके साथ जाना है, ट्रिप पर जाना है, ट्रिप पर जाना है, लेकिन वो कभी जा नहीं पाता था. सो उसे एक चांस मिला कि वो दवा लेकर जाए. अब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इसके बारे में देखेंगे आगे बेटा, ठीक है. उसकी मम्मी यानी उसके पिताजी दवा की के बैग को घर पे ही छोड़ के चले जाते हैं. What's wrong? Not much. He gets blinding headaches. Sometimes these medicine will help him recover soon. यानी उसने कहा पता कि ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन यह जो मेडिसिन वो घर पे छोड़ गए हैं कभी कभी अचानक उनके सर में दर्द होने लगता है और ब्लाइंडनेस और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है. तो वो क्या करते हैं दवा लेते हैं, उस दवा से वो फिर इस दुख से वो बाहर आ पाते हैं जो कि दवा वो घर पे छोड़ गए हैं. Indeed, his father was bright, cheerful self as he led his karma next day. ठीक है. Goodbye, soon. What shall I bring? और ये मतलब आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया गया था. पहले ही मतलब वीडियो में आपको ये चीज़ें बता दी गई थी. अब हम आगे देखते हैं. His mother held out the medicine pouch. उसकी माँ वो मेडिसिन के पाउच को बाहर निकालती पकड़े लेती थैला रहती है. एंड लुक्स योर फादर्स फॉरगेट दिस. और वो अपने बेटे से कहती है देखो तुम्हारे पिताजी यह दवा भूल गए हैं. सो व्हाट यू आर सच अ वरी वर्ड एंड मदर. तो कितना यह चिंता की बात है माँ इस जो अगर भूल गए तो भूल गए. कहते हैं बट द एक्सक्लेम टू हिम व्हाई शी वाज सो कंसर्न्ड बिकॉज योर फादर गेट्स ब्लाइंडिंग हेडेक्स विच आर क्यूर्ड ओनली विथ दीज पाइल्स. यानी वो कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी को क्यूर मीन्स यानी इलाज. क्यूर मीन्स इलाज होता है बेटा. क्यूर मीन्स होता है इलाज. वो कहते तुम्हारे पिताजी जो है ये जो दवा भूल गए हैं यानी उनकी आंखों के सामने अंधेरा है, रोतौंधी हो जाता है, आप रात को उनको कम दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा होता है. तो ये जब दवा लेते हैं तो ये दवा ही उनका इलाज करता है या कहते हैं वो दवा खाने के बाद ठीक हो जाते हैं. बट श्योरली समवन कैन गो एंड गिव इट टू हिम. और उसकी माँ कहते हैं लेकिन कोई निश्चित ही कोई जाएगा और ये दवा उनको दे देगा. हु कैन डू दैट ऑल द मेंस हैव गॉन विद द कारमा. लेकिन वो कहती हैं ये भी कहती हैं कि कौन ऐसा करेगा, सभी आदमी तो पिता के कारमा के साथ चले गए हैं स्ट्राइप्स के, कौन लेके जाएगा. इट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट दैट फूडी हेजिटेटेड देन ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज मदर टू कम्फर्ट हर. फिर यानी कुछ समय के लिए वह हेजिटेट फील किया, असमंजस फील किया और अपनी माँ को गले लगाते हुए वो कहता है क्या कहता है डोंट वरी मदर आई विल गो आई शैल कैच द साल कारमा. कहता है चिंता मत करो मेरी माँ मैं जाऊंगा और वो जो साल्ट कारमा जो गया है उनको पकड़ लूंगा यानी पिताजी को दवा दे दूंगा. हाउ कैन यू विल गेट लॉस्ट. कर तुम कैसे करते तुम तो कहीं खो सकते हो. बट फूडी हैड बीन वेटिंग फॉर सच अ चांस एंड प्रिपेयरिंग इन सीक्रेट. क्यों लेकिन फूडी इस प्रकार के मौके को का इंतजार कर रहा था और कभी कभी इस प्रकार के मौके के लिए वो भी तैयारी भी किया करता था. सीक्रेट मीन्स गुप्त रूप से. सीक्रेट मीन्स गुप्त रूप से. सीक्रेट
सीक्रेट मीन्स गुप्त रूप से, सीक्रेट मीन्स गुप्त रूप से। हुडी हैड गॉन गॉट अ स्किन मैप इन हैंड, उसने अपने हाथ पर उस प्रकार का मानचित्र बनाया जिसे बनाया करता था जो पिता बताते थे उसे। हिज मदर बिगैन टू रिलेंट, उसकी माँ परेशान हो गई, सोचने लगी, व्याकुल हो गई। बट ऑल द कैमल्स आर गॉन, सभी कैमल्स भी चले गए थे ऊंट। नॉट ऑल वी हैव वन लेफ्ट, नॉट ऑल वी हैव वन लेफ्ट, ही इज रीजन डिजर्ट ट्रैवलर। ठीक है, उसके उसने कहा, उसके बेटे ने कहा, नहीं सब नहीं गए हैं, एक रह चुका, एक है डिजर्ट ट्रैवलर, रेगिस्तान में चलने वाला। द नेक्स्ट हिज मदर, आगे देखिए, इंडीड द ओल्डेस्ट कैमल ऑफ देयर हार्ड हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड एज ही वाज फीबल। और वो कहता शायद जो सबसे बूढ़ा कैमल है वही अपने ग्रुप से पिछड़ गया है या फिर यहाँ रह गया है क्योंकि उसे चला नहीं जाता, वही है। बट सो एक्सपीरियंस्ड ऑन द साल्ट कार्मा ट्रैवल ट्रायल ही इज द बेस्ट, यानी वो कहता है लेकिन उसे इन साल्ट कार्मा का एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ कहाँ कैसे जाना है, ये जान रहा है, इसलिए वही सबसे पुराना वाला, सबसे बूढ़ा ही कैमल बेस्ट होगा। ओनली ही इज ओल्ड एंड फीबल इज द वर्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट डे हिज मदर मेड एनफ फूड टू लास्ट हिम अ फ्यू डेज, शी आल्सो गेव हिम अ पाउच ऑफ कैरी केयरफुली अलॉन्ग विथ अ गोल्ड कंपास, ओल्ड कंपास, यानी कंपास आप साइंस में पढ़े होंगे जो दिशा को निर्धारित करता है, बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने पुराना कंपास भी दिया, उसको भोजन भी दिया 2-3 दिनों के लिए ताकि वो जाए तो बोला जाए, भोजन भी करे खा ले। गो माई सन, दिस विल हेल्प यू टू कीप ऑन ट्रैक, यानी वो कंपास देते हुए कहती है कि यह तुम्हारे ट्रैक यानी रास्ता, ट्रैक मीन्स रास्ता, ट्रैक मीन्स बेटा रास्ता, ट्रैक मीन्स रास्ता। ठीक, यह तुम्हारे रास्ते पर चलने पर मदद करेगा। डोंट वरी मदर, आई शैल डू फाइन। ठीक है, वो कहता है माँ तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा, अच्छे से रहूँगा। एडेड बाय द मैप एंड कंपास पुडी सेट आउट, दिस सन बिकम हॉटर एंड द विंड ब्लू फास्टर, यानी सब कुछ लेने के बाद, कंपास मैप सब कुछ लेने के बाद वो चल पड़ा। और उस समय सूरज तेजी से चमक रहा था, धूप तेज थी और हवाएं भी गर्म चल रही थी। माय क्लोथ्स आर स्टिकी एंड वेल्थी, दिस डिजर्ट विंड इज लैसिंग माई फेस, मतलब उसके जो कपड़ा था पूरी तरह से लहरा रहा था तेज हवा में जब वो चलने लगा, और उसका कपड़ा पूरी तरह से हवा में उड़ने लगा। ऑन द वे ही सा स्ट्रेंज साइट, और रास्ते में उसने एक स्ट्रेंज में विचित्र दृश्य देखा। व्हाट दैट लुक्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप, ओह नो इट्स अ हू, यानी स्पिनिंग टॉप यानी उस प्रकार से लहरा उठ रहा है जो ऊपर उठता है, यानी बवंडर जिसे हम कह सकते हैं। द फोर्स ऑफ द स्टार स्वेप्ट हिम फ्रॉम द कैमल एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वाज हैंगिंग ऑन द साइड ऑफ द एनिमल्स, यानी वो पूरी तरह से ऊंट पर ही चिपका रहा क्योंकि जब बवंडर आ गया तो तेरह तरफ से उसको फिगर में दिखा रहा है, चिपका रहा पूरी तरह से। इट वॉज ए स्पिनिंग विंड, और हवा झूलता हुआ हवा यानी बवंडर। आफ्टर वाट सीम्ड टू बी एजेस ही फाउंड हिमसेल्फ ऑलमोस्ट अंडर अ पाइल ऑफ सैंड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जब वो हवा शांत हुई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बालू से पूरी तरह से ढक चुका था, बालू से पूरी तरह से ढक चुका था। स्टेजरिंग अप विथ ही फूड, पूरी रियलाइज्ड दैट हिज मैप एंड कंपास वर नाउ लॉस्ट एंड सो वाज ही, और जब पूरी तरह से हवा शांत हुआ तो पूरी तरह से देखा, जब देखा तो उसे फील हुआ कि उसका कंपास और मैप खो गया होता है। नाउ लेट मी सी, फादर डिड टीच मी हाउ टू फॉलो द सन, लेकिन उसे यह पता था, उसके पिता ने उसे बताया था कि कैसे सूर्य सूरज को फॉलो करते हुए रास्ता को ट्रैक को
आप पा सकते हैं। दैट इट हैपन वाई आर सिंकिंग डाउन दे हैड फुडी फॉर्स्ट अहिड अ लिटिल अनश्योर ऑफ हिज पाथ। वो मतलब अपने अनश्योर पाथ पर चलना आरंभ कर दिया। दे हैड ए पॉज ऑफ इज क्विक एंड दैट सॉफ्टली सक देम इन। और वो तेजी से अपने पाथ पर आगे बढ़ने लगा। डाउन द कैमल सन डीप फूडी मैनेज जंप क्लियर। मतलब जिस प्रकार वो जब चलने लगा तो अपने जंप क्लियर को मैनेज करने लगा। किस प्रकार वो चल रहा है कूद रहा है वो अपने आप को मैनेज करने लगा। ओह नो नाउ डू आई रेस्क्यू द कैमल्स लेट मी गेट होल्ड ऑफ द रोप। यानी वह जब देख रहा था कि वो बूढ़ा हो चुका था कैमल और ऊँट में धंसता जा रहा था तो रेस्क्यू मीन्स बचाव होता है। रेस्क्यू मीन्स होता है बेटा बचाव। रेस्क्यू मीन्स होता है रक्षा करना है बचाव बचाव करना। ठीक फूडी फिर तेजी से उतर के जब वो देखा कि उसका ऊँट पूरी तरह से बालू के उसके पैर बालू में धंस गए हैं। फूडी देन वियरली क्लाइम्ड अ बैक स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमल ऑन द हेडेड अ बैक्स फूडी पुश्ड हार्ड। उसके बाद वह नीचे उतर कर ऊँट को धक्का देता है तेजी से धकेलता है। एट लीस्ट द कैमल हीव्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द सैंड एंड लर्च्ड फॉरवर्ड। और अंत में वो जो कैमल हो पूरी तरह से अपना जोर लगाकर खड़ा होता है और उस बालू से ऊपर उठता है चलने लगता है। देन फूडी देन वरीली कम बैक ऑन द कैमल। फिर फूडी चढ़ के उस ऊंट पर बैठ जाता है। वी हैव ट्राइड माई वे नाउ लेट्स ट्राई योर्स यू गो अहेड एंड फाइंड द साल्ट रूट। और उसने यह बात किससे कही ऊंट से कही कि तुम साल्ट रूट के जरिए आगे बढ़ो। फूडी मेड अ मेंटल मार्क ऑफ द लोअर एंड सैंड एरिया सो दैट ही अवॉइड इट द फ्यूचर्स। यानी वह अपने माइंड में जिधर से वो गुजर रहा था उसका चल चित्र अपने माइंड में बिठा रहा था क्योंकि उसे वापस भी आना है। अब देखिए अ लिटिल अहेड टू हॉर्स राइडर्स केम स्टॉर्मिंग टुवर्ड हिम। दे हैड ब्लैक वेल्स एंड स्वॉर्ड हेल्प अलॉफ्ट। यानी ब्लैक है वेल्स मीन्स होता है नकाब। वेल्स मीन्स क्या होता है नकाब काला नकाब। ब्लैक वेल्स यानी काला नकाब। नोट कर सकते हैं काला नकाब। ठीक अब उसने देखा कि दो हॉर्स राइडर यानी घुड़सवार उसके पीछे से हाथ में तलवार स्वॉर्ड मींस तलवार होता है। स्वॉर्ड मींस तलवार। स्वॉर्ड मींस तलवार। तेजी से उसके पीछे हाथ में तलवार लिए दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहे थे उसका पीछा कर रहे थे। हाल्ट व्हाट डू यू हैव ऑन यू। डिजर्ट पायरेट्स। डिजर्ट पायरेट्स मीन्स होता है रेगिस्तानी डाकू लुटेरे। डिजर्ट पायरेट्स पायरेट्स मीन्स रेगिस्तानी लुटेरे। रेगिस्तानी फूडी न्यू दे वुड नॉट बिलीव ही हैड नथिंग सो ही मेड द कैमल टर्न अराउंड विथ अ गैलोप। फूडी यह जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता सो कैमल को तेजी से पुश करता था कि वो तेजी से आगे बढ़े तेजी से आगे बढ़े। द कैमल सेंस्ड द अर्जेंसी एंड गैलोप। कैमल को पता हो गया कि वो समस्या में है और इसलिए वो तेजी से गैलोप करता हुआ आगे बढ़ा। फूडी स्टॉप spotted the quick sand patch and clearly lead the parrots to it. The horse stops abruptly and Fudi ने क्या किया कुछ बालू के कड़ों को उठाया और उन
डाकुओं के आंखों की तरफ फेंका और उसके बाद द हॉर्सेस स्टॉप अब्रप्टली और हॉर्स जो घोड़े हैं तेजी से की आंखों में पड़ जाने के कारण वो गिर जाते हैं, रुक जाते हैं। द पायरेट्स ट्रम्बल इन टू द सैंड पैलमेल और वह बालू के ढेर में वह गिर जाते हैं। कौन? डिजर्ट यानी रेगिस्तानी लुटेरे। एंड द सैंड डीपर इन टू द क्विक सैंड है हा करके मतलब हंसते हुए फिर वह निकल जाता है जब वह पूरी तरह से गिर जाते हैं। तो सिक्स हॉट आवर्स लेटर ही स्पॉटेड सम पाम ट्री अहीट और 6 घंटों की लंबी यात्रा के बाद उसे पाम ट्री दिखाई देता है, खजूर का पेड़ उसे दिखाई देता है। एज ही रोड अहेड द हियर द वेलकम साउंड ऑफ स्प्रिंग वाटर एंड स्पॉटेड कैमल्स एंड मैन ही हैड रीच्ड और जैसे वो उसके नज़दीक पहुंचता है तो उसे पानी की भी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ही फाउंड हिज फादर एंड हैंडेड ओवर द प्रेशियस पाउच ऑफ मेडिसिन वहाँ पर वह अपने पिता को पाता है और उन्हें वह कीमती दवाएं देता है। हिज फादर हग्ड हिम एंड आस्क्ड हिम 100 questions उसके पिता उसे गले लगाते हैं प्यार से और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे आए, क्या प्रॉब्लम, तमाम क्वेश्चंस। हाउ डिड यू गेट देयर हियर डिड यू हैव अ मैप उसके पिता ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हारे पास कोई मानचित्र था। बट ही गो नो आंसर लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एक्सॉस्टेड एंड हैप्पी फूडी हैड फॉलन फास्ट स्लीप और थका हुआ वह फूडी जल्द ही सो गया और यह स्टोरी अभी कंप्लीट हुई। तो बेटा ये स्टोरी थी, आपको इस स्टोरी का कुछ पार्ट फर्स्ट वीडियो पार्ट में बताया गया था, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज कंप्लीट किया गया। इसको वर्ड इस वर्ड मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लेंगे, कल आपको बुक वर्क कराया जाएगा। बाय बाय बेटा।